हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ टू डू लिस्ट शेयर करने वाली हूँ आरबीआई असिस्टेंट के लिए। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप डेली की टू डू लिस्ट बना सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत करनी है जनरल अवेयरनेस से। सो इसमें सबसे पहले आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं और इसी में आपकी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगी। जो भी करंट के टॉपिक में बैंकिंग अवेयरनेस आ रही है, आपको वहीं से बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करनी है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। और सेकेंड नंबर पे है स्टैटिक जीके। आपको वही स्टैटिक जीके पढ़नी है जो करंट अफेयर में आ रही है। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कोई जीके की बुक लेनी है और फिर स्टैटिक जीके प्रिपेयर करनी है। तो करंट अफेयर के लिए आपको दो सोर्स फॉलो करने हैं, एक तो वीडियो और सेकेंड है पीडीएफ। आप डेली के डेली किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो और आप उनकी वीडियो देख लो और उसके बाद आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। आप इसके लिए आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हो। स्टडी आईक्यू चैनल पे गौरव गर्ग सर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। अफेयर क्लाउड्स पे डेली के डेली वीडियोस आती है कपिल काठपाल सर। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो और आपको डेली के डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ देखनी है और उसके बाद आपको किसी भी एक सोर्स से पीडीएफ पढ़नी है ताकि आपने जो वीडियो में देखा है वो आपका रिवाइज हो जाए। इसके बाद आपको क्विज लगाना है। क्विज के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके क्विज लगाने हैं। सो क्विज के लिए आप अड्डा 24/7, प्रैक्टिस मॉक, ऑली बोर्ड, टेस्ट बुक, गाइडली, जो भी आपको ऐप्स मिल रही है आप सभी ऐप्स को डाउनलोड कर लो और फ्री के वहां पे क्विज देते रहो ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करोगे जिसमें आप करंट अफेयर की वीडियोज देखोगे। सेकेंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। बात करते हैं प्रैक्टिस की कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। बेस्ट सोर्स है प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक की तरफ से आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल रहा है। सो आप मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपके कौन से वीक टॉपिक है, कौन से स्ट्रांग टॉपिक है, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी परसेंटाइल है। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस मॉक पे टॉपिक वाइज क्विज भी मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको लगे वीक है या फिर आपका टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक की अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्विज है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सो आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको प्रैक्टिस मॉक की तरफ से मिनी मॉक देने का मौका मिल रहा है। सो आप मिनी मॉक्स भी दे सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के। और प्रैक्टिस मॉक पे आरबीआई असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप देख सकते हो कि प्रीलिम का कैसा पेपर था। सो आपको हर एक चीज प्रैक्टिस मॉक पे अवेलेबल है। तो जल्दी से जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। और जिस भी तरीके से आपका टॉपिक वीक है तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो मिनी मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर का एग्जाम जरूर देखना कि क्या पैटर्न था, किस तरीके का एग्जाम था। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, रीडिंग करनी है। सो इसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो या फिर अगर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं है तो आप कोई भी नॉवल या मैगजीन, जो भी आपका पढ़ने का मन है आप वो रीड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको एडिटोरियल रीड करना है तो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, ऑनलाइन द हिंदू न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। इसमें बहुत सारे वर्ड्स क्या है बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ से आपकी वोकैब की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके साथ ही वोकैब 24 इंग्लिश की ऐप है, इस पे आपको अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल मिल जाएंगे। इस पे आपको हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द हिंदू, आपको सभी के यहाँ पे एडिटोरियल मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको हर दिन एक ईडियम, एक फ्रेज इस तरीके से इस ऐप पे प्रोवाइड करवाया जाता है। और आप जो भी एडिटोरियल पढ़ोगे उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग से गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि उसका क्या मतलब है। जिस टाइम आप रीड करोगे तो जो भी आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता लग रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो साथ में उसका हिंदी में मीनिंग आ जाता है। सो ये ऐप काफ़ी बेस्ट है, मैंने यहीं से अपने एडिटोरियल प्रिपेयर करे थे। सो आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप एडिटोरियल तो रीड करोगे ही, साथ साथ में आपको सारे एडिटोरियल का मतलब भी पता लगता रहेगा क्योंकि साथ साथ में हर वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। इसके साथ ही इस ऐप पे क्विज भी प्रोवाइड करवाया जाता है। सो आप देख लेना, आप डेली का डेली इस ऐप का क्विज लगा लेना क्योंकि जो इनका क्विज होता है उसका लेवल काफ़ी सही होता है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पे क्वांट की। जैसे कि क्वांट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमैटिक। अब जैसे स्पीड मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है प्री में और डीआई की प्री और मेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहती है। सो सबसे पहले आपको डेली के डेली स्पीड मैथ करना है। इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं।
डेली के डेली एक टारगेट सेट कर लो कि जैसे आपने 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करने हैं, 20 अप्रोक्सीमेशन के, 15 आपने मिसिंग सीरीज कर ली, या अगर आप 15 मिसिंग सीरीज कर रहे हो तो उससे कम आप रॉन्ग सीरीज कर सकते हो, 15 आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना है। ये आप डेली के डेली अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करके रखोगे कि आपको डेली के डेली ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद बात करते हैं डीआई की, तो आपको डेली की डेली 5 डीआई सॉल्व करनी है प्री लेवल की, और अर्थमेटिक का डेली का आपको कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर लेना है और आपको उस टॉपिक को साथ साथ में प्रिपेयर करना है, और उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास बुक है तो बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह का सोर्स है तो आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बुक से रिलेटेड वीडियो शेयर करी हुई है कि आपको किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, सो आप इस वीडियो पे क्लिक करके सारी बुक्स देख सकते हो, और जो भी बुक आपको सही लगे आप वो परचेज कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि डेली के डेली आपको स्पीड मैथ करना है, आप इतने इतने क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, उसके बाद ये नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। डेली के डेली आपको डीआई करनी है, 5 डीआई के क्वेश्चन करने हैं, और अर्थमेटिक का एक टॉपिक स्टार्ट करना है जिसे 3 से 4 डेज या फिर 2 से 3 दिनों में कंप्लीट करना है, जिस तरीके से आपको समझ आ रहा है वैसे। और इसके साथ आपको यहाँ पे भी क्विज लगाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी एप्स बताई है, सो आप उनमें से किसी भी ऐप पे क्विज लगा सकते हो, और इसके साथ ही आप सेक्शनली मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। जैसा आपको सही लगे, जब आपकी क्वांट की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए तो आप सेक्शनली मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाना किसी भी ऐप पे। बात करते हैं मेंस की, तो आप डेली के डेली क्वांट की एक मेंस लेवल की डीआई करोगे। अगर आप मेंस लेवल की डीआई नहीं करना चाहते हो, मान लो आप 2 दिन से मेंस लेवल की डीआई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीआई नहीं करनी है, सिर्फ आपको डेली के डेली एक डीआई की प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आप डीआई की प्रैक्टिस नहीं करोगे उस दिन आप कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक उठा लो, तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस लेवल के। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 4 to 5 क्वेश्चन सोल्व करना बस उतने ही जितना आपको समझ आए, क्योंकि आपको पता है कि मेंस के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होता है, सो उतना उतना ही प्रिपेयर करना जितना आपको समझ में आए। इसके साथ ही अगर आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने का मन नहीं है तो आप डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी के क्वेश्चंस कुछ भी कर सकते हो जो मेंस लेवल का सेक्शन है। वो ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मैंने प्री का बताया, इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना है डेली की टू डू लिस्ट में। आपको मेंस का जो भी करना है आप डेली का डेली एक ही टॉपिक करोगे, डीआई करोगे तो सिर्फ एक, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करोगे तो 4 से 5, अगर आपने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करने हैं तो 4 से 5 ये क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट में बात करते हैं रीजनिंग की, तो जैसे कि क्वांट में डीआई की वेटेज होती है, सेम एज इट रीजनिंग में पजल्स की वेटेज होती है प्लस सीटिंग अरेंजमेंट की। सो आपको डेली के डेली पजल सॉल्व करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है, सो आप डेली के डेली 10 पजल सॉल्व करो और 10 सीटिंग अरेंजमेंट। अब डेली के डेली क्वेश्चन बनाओगे, इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, प्लस आपको डेली के डेली मिसलेनियस क्वेश्चन का कोई एक टॉपिक ले लेना है, जैसे आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, किसी भी एक टॉपिक को ले लेना और उसको आपने सॉल्व करना है। 1 या 2 दिन में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सो मिसलेनियस क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप डेली के डेली प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं है कि हमें पजल्स आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हमें बनाना आता है। डेली सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपकी स्पीड बनेगी, सो आपको डेली के डेली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है। सो टू डू लिस्ट जब भी आप बनाओगे तो सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा है, आपको पहले प्री का लिखना है कि क्या क्या करना है, उसके बाद आपको मेंस की तरफ स्विच करना है। जैसा कि क्वांट में था सेम एज ए रीजनिंग में है, जब आप प्री लेवल का पोर्शन सोल्व कर लोगे उसके बाद आप मेंस लेवल की पजल सोल्व करोगे। पजल के लिए आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो, आप डेली के डेली मेंस लेवल की एक वीडियो देख लो, इनफ है। एक वीडियो में 2 पजल सोल्व करवाई होती है या फिर 3, आप कोशिश करो कि आप सिर्फ 1 पजल सोल्व कर लो, अगर ज़्यादा है तो आप 2 कर लो, इनफ है बस। डेली के डेली आप 1 या 2 पजल सोल्व कर लो, इनफ है। जिस दिन आपने पजल को सोल्व नहीं करना है उस दिन आप लॉजिकल क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट, इस तरीके के क्वेश्चन मेंस लेवल के सोल्व कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ 1 क्वेश्चन सोल्व करो, इनफ है। ऐसा नहीं कि आपको मेंस का बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है। प्री का आप जितना भी प्रिपेयर करोगे उसके लिए आपको डेली के डेली क्विज लगाना है, सभी का सेक्शन वाइज, करंट अफेयर का क्विज, इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का। हो सके जब आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेना, या फिर जिसे मिनी मॉक भी बोलते हैं,
ताकि जो सेक्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है उसमें आपको पता लगता रहे कि आपकी कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई है। जब आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट कर दोगे। मॉक टेस्ट तभी लगाओगे जब आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद आप आगे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे। और मॉक टेस्ट जब भी लगाओगे उसका अच्छे से एनालिसिस करोगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो ये मेंस लेवल का मैंने आपके साथ पोर्शन शेयर करा है, अगर आप बिगनर्स हो, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड करना, मेंस लेवल के पोर्शन को। आप पहले प्री लेवल का प्रिपेयर करना, प्री लेवल के कॉन्सेप्ट्स, प्री लेवल के अपने टॉपिक्स क्लियर करना, उसके बाद आप मेंस लेवल का पोर्शन स्टार्ट करना। दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलना है, क्योंकि मेंस आप तभी प्रिपेयर कर पाओगे जब आपके प्री लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो चुके हैं, आपने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तब आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चल सकते हो। बट अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आप प्री लेवल का प्रिपेयर करो। जब आपको लगे कि 70-80% प्री लेवल का प्रिपेयर हो चुका है, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर है, तब आप अपनी टू डू लिस्ट में साथ में मेंस लेवल के पोर्शन को साथ में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप दोनों चीज़ें साथ में इकट्ठी स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। पहले प्री लेवल की प्रिपरेशन करो, उसके बाद मेंस लेवल की। और प्लीज़ एक अच्छे सोर्स से ही मॉक टेस्ट लगाना, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती रहे। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख के चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, प्लस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।